हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो आप मोबाइल पीसी दोनों में कर सकते हो, और उस ट्रिक का नाम है जंप हेडशॉट। आपने बहुत सारे प्लेयर्स के मॉन्टेजेस में देखा होगा कि लोग जंप करके हेडशॉट मारते हैं, जो कि देखने में बहुत मस्त लगता है। और आप भी फिर ट्राई करते हो ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके कि मैं भी हेडशॉट मारता हूं ऐसा जंप करके, बट आपका जंप हेडशॉट कनेक्ट नहीं होता है, आप कुछ गलती कर देते हो जंप हेडशॉट करने में। तो आज मैं आपको वही गलतियां बताने वाला हूं, उसको कैसे सॉल्व करते हो वो भी मैं बताने वाला हूं आज आपको। उसके बाद आपके भी जंप हेडशॉट अच्छी तरह से लगेंगे और आप भी उसके बाद अपने मॉन्टेजेस और अच्छे बना पाओगे। और ट्रिक बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 100K के बहुत करीब है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से 100K करने हैं। और वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो ये जो ट्रिक है वो मेरी नहीं है, ये ट्रिक है WhiteFF की। आप में से बहुत सारे बंदे उसको जानते होंगे, ये ब्राजीलियन फोन प्लेयर है। तो ये ट्रिक उसने अपने चैनल पे खुद अपलोड की थी, तो मैंने वहां से ये ढूंढी है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू WhiteFF फॉर दिस ट्रिक। तो सबसे पहले हम उसी का ही वीडियो देख लेते, उसने कैसे एक्सप्लेन किया है, उसके बाद हम हमारी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं यहां पे आ गया WhiteFF की चैनल पे और देखते हैं कि जंप हेडशॉट के ऊपर उसका क्या ट्यूटोरियल है। Rockstar lifestyle, bring it back. Put me in a cool with a bag and a rack and a Corsac. My life is a movie, I'm a guest on cruise. Boy, don't you move, you might end up in the news. And it's so dumb, you don't wanna be a nuisance. Girl, what's your number? Please don't ever think it loses. Your face is a treasure, ayy. No shot that your body isn't better, ayy. Let me in, ayy. It's a bend, ayy. One shot, two shot, make you bend, ayy. Let me in, ayy. It's a bend, ayy. One shot, two shot, make you bend, ayy. तो यहाँ पे आपको देख के थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि कैसे मारते हैं जंप हेडशॉट, बट कुछ चीजें यहाँ पे WhiteFF ने अपनी लैंग्वेज में लिखी थी तो हमको समझ में नहीं आएगा पूरा, और इसीलिए आपको मैं पूरा समझाने वाला हूँ। और कब यूज करना चाहिए जंप हेडशॉट, कब अच्छा होता है कब बुरा होता है, वो सब भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो चलो अब मैं चलता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में और वहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ जंप हेडशॉट कैसे मारते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में और यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि बिगनर जो कि पहली बार जंप हेडशॉट कर रहा है उसको कैसे मारना है, और उसके बाद आपको थोड़ी आदत लग जाए फिर एडवांस तरीके में कैसे मारना है जंप हेडशॉट। तो सबसे पहले बिगनर की बात करते हैं जिसने आज तक जंप हेडशॉट नहीं मारा या फिर उसके उतने जंप हेडशॉट कनेक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको वही दो गन लेनी है जो मैंने लिए, UMP और XM8। इन दोनों गन में सबसे इजीली जंप हेडशॉट लगते हैं, और हाँ जंप हेडशॉट का लॉजिक सेम ही रहेगा, आप फोन में खेलो या फिर पीसी में खेलो, दोनों में एक ही तरीके से जंप हेडशॉट मारना है। तो WhiteFF में जो दिखाया था वो जंप हेडशॉट में वन टैप मार के दिखाया था, जो कि थोड़ा सा हार्ड है ड्रैग से। तो आपको पहले ड्रैग में प्रैक्टिस करनी है, और ड्रैग एक बार आपके कनेक्ट होने लग जाए उसके बाद आप वन टैप का ट्राई कर सकते हो। तो WhiteFF ने क्या बताया था अपने वीडियो में वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। उसने बताया था कि एक बार आपको स्कोप खोलना है एनिमी पे, वापस स्कोप आपको बंद करना है, और उसके बाद जैसे आप लोग जंप करोगे हेडशॉट लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैं वही दिखा रहा हूँ कि एक बार स्कोप खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, फिर जंप कर रहा हूँ और हेडशॉट मार रहा हूँ। तो ये काफी ईजी है करना मोबाइल में या फिर पीसी में। और एक बार आपके इसमें हेडशॉट कनेक्ट होने लग जाते तो आपको सेकंड स्टेप करना है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। और जंप हेडशॉट मारने के लिए सबसे मेन दो चीज़ है जो कि है टाइमिंग और एम प्लेसमेंट। टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब जंप करो सबसे हाई पॉइंट पे जब आप पहुंचो तब आपको शूट करना है। उसके पहले अगर आप शूट करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी, आपके हेडशॉट कनेक्ट नहीं होंगे, और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग जंप हेडशॉट में। दूसरा है आपका एम प्लेसमेंट। आपका एम प्लेसमेंट होना चाहिए चेस्ट के ऊपर, मतलब शोल्डर नेक के आसपास होना चाहिए, उसके नीचे होगा तो आप ड्रैग नहीं कर पाओगे, आपके हेडशॉट नहीं लगेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो चेस्ट में एम करके मैं जंप कर रहा हूँ तो मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है ड्रैग करने में, और जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर एम करके जंप कर रहा हूँ तो यहाँ पे आराम से हेडशॉट लग रहा है। और अगर आपको एम प्लेसमेंट के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख सकते हो जिससे आप लोगों को और हेल्प मिलेगी जंप हेडशॉट में। तो एक बार आपने स्कोप इन स्कोप आउट करके जंप हेडशॉट मारना सीख लिया, उसके बाद आपको स्कोप खोले बिना हेडशॉट मारना सीखना है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे अभी देख रहे हो कि मैं डायरेक्टली कैसे जंप करके हेडशॉट मार रहा हूँ। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। एक बार आपको WhiteFF वाली ट्रिक आ गई जिसमें आपको स्कोप खोल के जंप हेडशॉट मारना है, उसके बाद आपको ये वाला ट्राई करना है। और याद रखना कि जंप हेडशॉट आपको तभी मारना है जब एनिमी आपका एकदम स्ट्रेट खड़ा हो। अगर एनिमी मूवमेंट कर रहा है फिर भी आप जंप हेडशॉट मार सकते हो, मैं अभी आपको मैं आके दिखाऊंगा ट्रेनिंग ग्राउंड में, बट वो ज्यादा हार्ड होगा। तो आपको पहले ट्राई करना है कि एनिमी सीधा खड़ा हो तो आराम से आप लोग जंप हेडशॉट मार सकोगे उसको। और आपको कौन से डिस्टेंस में कितना ड्रैग करना है वो अगर आपको जानना है तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में स्पेशल मोड मिलता है, वो आप खेल सकते हो और जान सकते हो कितने हेडशॉट मेरे लगते हैं। मैं यहाँ पे एडवांस पे खेल रहा हूँ तो मेरे को पता लगेगा मेरे कितने हेडशॉट लगते हैं जंप में। तो चलो देखते मेरे कितने जंप हेडशॉट लगते हैं एडवांस मोड में। अगर आपके 70-80% हेडशॉट लगते हैं इस ट्रेनिंग ग्राउंड में तो ही आप गेम में जाके ट्राई करना जंप हेडशॉट
मारने के लिए, क्योंकि याद रखना जब आप जंप करते हो तो सामने वाला बंदा आपको आराम से हेडशॉट मार सकता है। तो अगर आपको जंप हेडशॉट मारना है तो आपके जंप हेडशॉट बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट दोनों होने चाहिए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हर रेंज में एनिमी स्पॉन हो रहा है, तो आपको हर रेंज में आइडिया आ जाएगा कितना ड्रैग करना है तब हेडशॉट मेरे लगते हैं जंप करके। और यहाँ पे लास्ट में हम लोग रिजल्ट देखेंगे मैंने कितने हेडशॉट लगे हैं, तो ये शायद लास्ट एनिमी होगा। और यहाँ पे आप लोग रिजल्ट देख सकते हो, टोटल मैंने 18 किल किए उसमें से 15 मेरे हेडशॉट है, तो मतलब यहाँ पे 90-95% मैंने हेडशॉट मारे है। और आपको भी ट्राई करना कि आपके एटलीस्ट 80% हेडशॉट होने चाहिए इसमें से। और अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे मोड है एक बिगनर का भी, यहाँ पे बिगनर का जब चूज करोगे तो एनिमी जो है वो स्लो स्पॉन होंगे। और आपको यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज ध्यान रखनी है, आपका एम प्लेसमेंट कहाँ पर है और आपको टाइमिंग याद रखनी है आपको कब शूट करना है। इसमें आप लोग वाइड वेव वाली स्कोपिंग स्कोपर वाली ट्रिक यूज कर सकते हो जिससे आप लोग इजी हेडशॉट मार पाओ जंप करके। और यहाँ पे आप लोग कोई मेरा शॉट स्लो करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जैसे ही जंप कर रहा हूँ उसके टॉप पोजीशन पे जब मैं जा रहा हूँ तभी मैं शूट कर रहा हूँ, उसके पहले शूट नहीं कर रहा हूँ। पहले मेरे भी जंप हेडशॉट नहीं लगते थे, तब मैं यही गलती करता था कि मैं पहले ही शूट कर देता था, जैसे ही जंप करता था उसके साथ साथ मैं शूट भी करता था। बट आपको ऐसा नहीं करना है, जब आप टॉप पे पहुंचते तो आपका रिकॉइल बहुत ही कम हो जाता है, तभी आपको शूट करना है। तो अभी हम चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में और वहां पे देखते हैं कि जब बंदे सीधे नहीं खड़े मूवमेंट कर रहे उसको हेडशॉट लगते हैं कि नहीं और कैसे मारते हैं। और एज ऑलवेज यहाँ पे मैं कट नहीं करने वाला, तो आपको पता चलेगा मेरे कितने हेडशॉट सही में लग रहे हैं। तो यहाँ पे पहला एनिमी यहाँ पे दिख गया हमको, यहाँ पे जंप हेडशॉट मारने की ट्राई करते हो, यह बंदा हिल गया तो यहाँ पे हेडशॉट नहीं लगा, जैसे ही स्ट्रेट खड़ा हुआ यहाँ पे हेडशॉट लग गया आपने देख लिया। दूसरा भी एनिमी यहाँ पे तो उसको भी मारने की ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे वो तो सीधा ही खड़ा था, सीधा हेडशॉट यहाँ पे लग गया। जो बंदे स्ट्रेट खड़े होंगे स्ट्रेट भाग रहे होंगे उनको आराम से हेडशॉट पड़ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक सामने एनिमी मिल गया है उसको मारने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे एक और स्पॉन हुआ तो पहले इसको मारते हैं। यहाँ पे दोनों इसको हेडशॉट पड़ गए, और यहाँ पे दूसरा एनिमी वो भी स्ट्रेट खड़ा था उसको भी हेडशॉट पड़ गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं कोई भी कटवट नहीं कर रहा, सारे बंदों को हेडशॉट यहाँ पे पड़ रहा है, जितने बंदे स्ट्रेट भाग रहे हैं या स्ट्रेट खड़े उसको हेडशॉट यहाँ पे आराम से पड़ रहा है। ये बंदा जो था वो स्ट्रेट नहीं खड़ा था, बट वो जिस डायरेक्शन में भाग रहा था मैं उस डायरेक्शन में ड्रैग किया तो यहाँ पे उसको भी हेडशॉट पड़ गया। तो जो मूवमेंट वाला बंदा है उसको ऐसे ही मारते हैं, उसको उसी डायरेक्शन में ड्रैग करना है आपको जिस डायरेक्शन में वो भाग रहा है। ये सीधा खड़ा है तो देखो यहाँ पे सीधा ही ड्रैग करूंगा, सीधा हेडशॉट पड़ गया यहाँ पे। अभी शायद मेरे को कोई पीछे से मार रहा है, कौन मार रहा है देखते। और यहाँ पे एक बंदा आपको मिल गया है और यहाँ पे हमारा पीछा कर रहा है बंदा, तो इसको तो मारना ही पड़ेगा। यहाँ पे इसने जंप किया, मैंने वापस जंप किया, दो बार हेडशॉट मार गया, खेल खत्म। यहाँ पे एक और बंदा स्पॉन हुआ है उसका पीछा करते, और यहाँ पे उसको देख गया वो तो बंदा भाग गया। यहाँ पे दूसरा बंदा स्पॉन हुआ तो उसको देखते हैं यहाँ पर। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि जंप हेडशॉट का सबसे बड़ा फायदा क्या है। जैसे आप कोई फेंस के पीछे खड़े हो, यहाँ पे कवर के पीछे खड़े हो, तो आप जंप करके हेडशॉट मार सकते हो और सामने वाला बंदा आपको हेडशॉट नहीं मार पाएगा। यहाँ पे लोग देख सकते हो मैंने दो बंदों को ऐसे ही मारा है कवर के अंदर से, और भाई एक बंदा पीछे से मार रहा था उसको भी यहाँ पे हेडशॉट पड़ गया। और अभी हम देख लेते हैं हम कितनी किल स्टिक कर पाते हैं, यहाँ पे 5 है ऑलरेडी, देखते हैं और कितनी किल कर पाते हैं। और यहाँ पे जैसे किल की बात की किसी ने मेरे को पीछे से मार दिया, किल की बात ही नहीं करनी थी पता है, तो आराम से 10-15 की किल स्टिक बन जाती। चलो कोई बात नहीं, बट आई होप आपको जंप हेडशॉट समझ में आ गया होगा कैसे मारते हैं, क्या क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और अगर आपको एम प्लेसमेंट के बारे में और जानना है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वीडियो देख रही होगी, उसको क्लिक करके यहाँ पे वीडियो देख सकते हो, एम प्लेसमेंट आपका इंप्रूव कर सकते हो, इससे आपका जंप हेडशॉट भी ज्यादा इंप्रूव होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया पहले वो बताओ भाई, 100 के करने जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।